टाइम डिफरेंस भाई 3.5 घंटे का हो चुका है। इंडिया में इस वक्त शाम के 6:20 हो रहे हैं और यहाँ सर्बिया में 2:50 दोपहर के। इटी यहाँ से 102 किलोमीटर बची है, लगभग 1.25 घंटा लगेगा। और क्योंकि हमारे पास सिर्फ आज आज का दिन ही है सर्बिया में, तो हमें जितना घूमना है आज ही घूमना है, कल हम निकल जाएंगे अगली कंट्री के लिए। सही में भाई दूसरी तरफ तो कुछ ज्यादा ही लंबी लाइन है, इतना ज्यादा बॉर्डर क्रॉसिंग हो रही है, हमारे लिए सही है, चलो खाली खाली मस्त घूमेंगे। On the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bob and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? लो भाई 4-5 किलोमीटर चले थे और टोल टैक्स भी आ गया, इसलिए अच्छा हुआ ना कैश निकलवा लिया। अब यहाँ पे ये कैश ही मांगेंगे क्योंकि कोई बंदा बंदा नहीं बैठा। सर्बिया का पहला टोल बटन हाँ पर्ची नहीं भाई, मोटा सा कार्ड दिया है यहाँ पे तो पूरा। अभी ये एंट्रेंस थी इसलिए कोई पैसे नहीं लिए, जब एग्जिट करेंगे ना हाईवे से तब पैसे लेंगे। और रेस्ट एरिया यहाँ पे भी बने हुए है और लिखा भी हुआ है कितनी आगे है, 5 किलोमीटर दूर। बॉर्डर के पास पास ना काफी ग्रीनरी है, या फिर आप कह सकते हो सिटी से 30-40 किलोमीटर बाहर काफी पेड़ लगे हुए हैं पूरे, और खेत वेत भी काफी है। चलो भाई बाकी सर्बिया में भी अब एंटर तो कर लिया है, तो अपना इंडियन फ्लैग जरा लहरा दिया जाए। ये पार्किंग आ गई है स्पेस, यहीं पे लगाते हैं साइड में, क्योंकि वैसे तो हाईवे पे भाई लगा नहीं सकते ऐसे कहीं पे भी, यहाँ अपने को जगह मिल जाएगी मस्त। एंड इन्हीं पार्किंग स्पॉट्स पे ना भाई ऐसे पोर्टेबल से, पोर्टेबल तो नहीं कह सकते, बॉक्स वाले वॉशरूम लगे रहते हैं जिनका नाम होता है मोबाइल WC तरह की कुछ टॉयलेट सीट है, तो इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो। बहुत बहुत दुआ रही है, मैं तो नहीं करूंगा पर्सनली कभी भी। बाकी लोकेशन भी भाई परफेक्ट है झंडा लहराने के लिए, क्योंकि कोई है भी नहीं, और वैसे इन देशों में कोई इतनी दिक्कत करेगा भी नहीं अगर हम लहरा रहे हैं तो। हमारी दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप की कंट्री नंबर 5 सर्बिया में आपका दिल की गहराइयों से स्वागत है। एंड यहाँ भाई सर्बिया की सड़कों पे अपना इंडियन फ्लैग लहराता हुआ, ओए होए होए भाई, ऐसे ही यूरोप की 25 और कंट्रीज में हम फहराने वाले हैं अपना इंडिया का फ्लैग। एंड यहीं पे भाई डस्टबिन वगैरह ही बने हुए और बैठ के आप यहाँ पे खाना वाना खा सकते हो। हमारे सामने दो लोग आके खा के गए, बताओ इतनी धूप में, देख रहे हो सर पे धूप है पूरी की पूरी, और यहाँ बैठ के खा रहे थे। बाकी कोई नहीं भाई, जल्दी जल्दी चलते हैं, 30 किलोमीटर रह गई है सिटी यहाँ से बस। चलो जी सारा फोटो रील्स वीडियो अच्छे से बन गई है, फटाफट से अब सिटी में चलते हैं। 30 किलोमीटर रह गया, 20 मिनट लगने हैं केवल। भाई जो हमने टोल एंट्री करी थी उसकी एग्जिट आ गई है, और अब यहाँ पे पर्ची दिखा के पैसा देना है। सी कितना मांगेंगे दिनार, ये 450 इंडिया के लगभग 400 कुछ रुपए बनेंगे। 100-150 किलोमीटर के लिए तो ज्यादा ही है वैसे देखा जाए तो। लेट्स गो भाई, निस सिटी जो है ना बस आई गई, 2-2.5 किलोमीटर है यहाँ से केवल। ऊपर भाई पहाड़ देखो, उनके टॉप पे बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी। और बल्गेरिया से यहाँ तक का जो पूरा रास्ता था ना भाई, हाईवे पे एक जगह भी कोई बड़ा फास्ट फूड का वो रेस्टोरेंट नहीं आया, मैकडोनल्ड्स वगैरह, मतलब आ रहे थे छोटे मोटे वो लोकल रेस्टोरेंट थे बस, ज्यादा बड़ी सिटी है नहीं यार, तो पता नहीं होटल्स के भी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो पक्की बात है महंगे होंगे। यहाँ पे भी पार्किंग के भाई वही हाल लग रहे हैं, साइडों में ही लगा रखे लोगों ने, या फिर अलग से प्लॉट बने हुए हैं जिनके अंदर आप पेड पार्किंग ले सकते हो। ये निस का मेन बस स्टैंड है, एंड भाई काफी शांत सी सिटी लग रही है, मतलब इतनी वो नहीं है क्राउडेड या टूरिस्ट नहीं दिख रहे। हमने सबवे की लोकेशन लगाई थी खाने के लिए और यहाँ पे सबवे ही नहीं एग्जिस्ट करता, बताओ। चलते चलते रस्ते में एक कैफे दिख गया था, और उसी के साइड में ये रेजिडेंशियल एरिया, तो हमने यहाँ पे गाड़ी लगा दी, सबने चढ़ा रखी है भाई, देखो हमने अकेले ने नहीं चढ़ाई, ये देख लो। पर ये मुझे लग रहा है इन अपार्टमेंट वालों की पार्किंग है, तो कहीं कोई दिक्कत ना हो। चलो कोई गल नहीं, जल्दी जल्दी खा के फिर निकल लेंगे, तब तक ये धूप भी चली जाएगी, फिर हम सिटी एक्सप्लोर कर लेंगे जितना हो सकेगा आज। खुला तो लग रहा है, कोई तो है यहाँ स्टाफ। ये है भाई छोटा सा कैफे, यहाँ पे पिज्जा पास्ता सब कुछ मिल जाएगा, मैं तो पास्ता खाऊंगा भाई, बहुत दिन हो गए। वेज के जमेले है भाई, नहीं मिल रहा है यहाँ पे भी। अब वो सामने कैफे है वहाँ पता कर रहे हैं, वहाँ भी नहीं हुआ तो यहाँ कैफे है यहाँ पता करेंगे। पहले हमारे प्लान में ना इटली इंक्लूडेड नहीं था, बट अब मैंने आइटनरी बनाई तो किसी तरह से 2-3 दिन निकाल लिए, और इटली में हम वहाँ रोम की साइड नहीं जाएंगे, मिलान जाने वाले हैं 2 दिन के लिए, तो वहाँ पे आपको लग्जरी ब्रांड दिखाऊंगा और इटली का पास्ता एंड पिज्जा भी। इनमें से भाई किसी के पास नहीं है वेजिटेरियन पिज्जा, तो वहीं पे जा रहे हैं, उनके पास वेजिटेरियन पास्ता था तो वो खा लेंगे। ये आ गया भाई हमारा वेजिटेरियन पास्ता, लगभग इंडिया के 320 रुपए के आसपास का पड़ रहा है, यहाँ की करेंसी में 350 दिनार का, ठीक है थोड़ा खट्टा खट्टा सा है, बट यहाँ पे भाई गार्लिक ब्रेड नहीं देते पास्ता के साथ, उसी में तो मजा आता है खाने का, बट कोई नहीं अभी तो पेट भरना है फिलहाल, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो भाई होटल मिल गया है ब्लॉसम इन करके, अंदर की तरफ अभी दिखाऊंगा, पहले हम लगेज निकाल रहे हैं। एंड पार्किंग का यहाँ पे भी वही फंडा है भाई की इनकी प्राइवेट पार्किंग है, पर नाइट 10 यूरोज ले रहे हैं, यानी अराउंड 1000, तो सामान यही उतारेंगे सारा, फिर गाड़ी वहां पे रखेंगे। गाड़ी जा रही है भाई पार्किंग में, एंड ये है होटल ब्लूम इन करके, हॉस्टल भी है, होटल भी है। हॉस्टल था 25 यूरो में 2 बेड, फिर हमने होटल ही ले लिया, 30 यूरो में दे दिया इन्होंने प्राइवेट रूम हमें। लगेज यहाँ रखा है अभी, वो गाड़ी रखे आएंगे फिर हम चेक इन करेंगे।
करेंगे। यहीं पे भाई कैफे भी है, मस्त खा पी सकते हैं आराम से। पीना तो मतलब मैं पीता नहीं हूँ, खा सकते हैं। ये बाहर साइकिल्स पड़ी हुई है, पता नहीं रेंट पे मिलती है या होटल वालों की है, करेंगे पता। अभी फिलहाल शाम के 7:15 बज चुके हैं, फटाफट चेक इन करते ही भागूंगा भाई सिटी घूमने। ज्यादा जगह नहीं, एटलीस्ट सिटी सेंटर जो है वहीं चला जाऊं, कुछ देख लेंगे आसपास खाने का भी और लोकल लोगों को भी देख लेंगे कैसे रहते हैं यहाँ पे। वैसे ये होटल 40 यूरो का था, यानी 4,000 का। इसके ओनर आए ना और हमारी बाहर गाड़ी देखी, स्कॉर्पियो वैन खड़ी है पूरा रैप ऐप में, उन्होंने $10 का डिस्काउंट दे दिया। कह रहा 40 यूरो की जगह अब 30 यूरो लेंगे हम आपसे, मतलब विद पार्किंग 40 लेंगे, पहले विद पार्किंग 50 यूरो। ठीक, मिल गया रूम 3,000 से कम का। तो ये है भाई यहाँ का रिसेप्शन, कार्ड दे दिया है पेमेंट के लिए एंड साथ में वाईफाई भी कनेक्ट कर लिया है। मस्त यहाँ वाले वाईफाई की तो कम है, 8 MBPS, पर ठीक है, ब्लॉग अपलोड हो जाएगा इतने से भी। और सिम भी हमारी यूरोप वाली चल चुकी है, एयरटेल करके कंपनी से कनेक्ट हो गई है, तो इसकी स्पीड तो मस्त आती है भाई 5G में, कम से कम 300-400 MBPS। बट सिम में हमारे पास सिर्फ 50 GB है, तो वो ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, होटल के वाईफाई से काम चला लेंगे। यहीं पे सिटी का मैप भी मिल गया भाई अपने को। So at the moment we are here. Okay. When you go to the main road, on the right at the first roundabout you have several fast foods. You have Serbian grill, American barbecue, bakery, pasta bar, toast and sandwiches. This is city center. City center is all of these. It's very very close, but on the first roundabout all the street food you want to eat is there. Okay. रूम टूर भाई मैं जाके दूंगा, अभी मैं फटाफट निकल गया वरना अंधेरा हो जाएगा ना, फिर आपको भी दिखा नहीं पाऊंगा अच्छे से सिटी। वैसे तो इस सिटी में ना 3-4 जगह है घूमने लायक, बट अभी जा नहीं पाऊंगा इसलिए सिर्फ सिटी सेंटर जा रहा हूँ, वहां पर देखते क्या क्या मिल जाएगा। अच्छा, सर्बिया की बात करें तो भाई लैंड एरिया वाइज वर्ल्ड में सर्बिया 113 रैंक पे आती है विद अ टोटल एरिया ऑफ 88,500 किलोमीटर स्क्वायर। पॉपुलेशन की बात करें तो पूरे सर्बिया में अराउंड 68 लाख लोग रहते हैं एंड उसमें से ऑलमोस्ट 2 लाख लोग जो है वो निस में रहते हैं, तो इसलिए निस जो है ना वो सर्बिया की थर्ड लार्जेस्ट सिटी है एंड काफी टूरिस्ट यहाँ पे भी घूमने आते हैं। जब आप लिखोगे ना गूगल पे कि प्लेसेस टू विजिट इन सर्बिया तो 4th-5th नंबर पे निस सिटी का भी नाम आता है। अब ऑब्वियसली बेलग्रेड यहाँ की जो कैपिटल सिटी है उसका टॉप पे ही आएगा, बट हम जा नहीं पाए, आपको रीजन बताया मैंने। इसके अलावा भाई सर्बिया जो है ना वो वर्ल्ड की बिगेस्ट एक्सपोर्टर है रेसबेरीज की। 2012 में वर्ल्ड में जितनी भी रेसबेरीज थी ना उसमें से 95% के लिए सर्बिया ही रिस्पॉन्सिबल था। अगेन भाई 1250 GS से दिख गई कितनी सही लग रही है ना कलर। बाकी यहाँ पे लाइन से कैफेज बने हुए है, थोड़ा सा ग्रीन एरिया और इधर की साइड में आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे जाएगी। हमारे होटल से सिटी सेंटर लगभग 1 किलोमीटर था, तो पैदल पैदल मैं निकल गया, गाड़ी लाने का मतलब नहीं था, पार्किंग मिलती नहीं तो मैंने सोचा पैदल ही बेस्ट है। अरे बाइक्स तो भाई काफी सारी है यहाँ पे, देखो कावासाकी जा रही है, यहाँ का सुपरमार्केट स्टोर दिख गया। चलो आते वक्त आपको थोड़े बहुत प्राइजेस बताऊंगा अंदर सब्जियों वगैरह के। यहाँ पे बल्गेरिया में भी और यहाँ सर्बिया में भी भाई ऐसे ना स्लॉट मशीन लगी होती है और या फिर आप कह सकते हो कैसीनो टाइप के है, इसका नाम है मैक्स बैट, तो शायद से यहाँ पे लीगल है ये सब कुछ, ऐसे खुले में ना रोडों पे बने हुए हैं। एंड गाड़ी से मैंने आपको जो एरिया दिखाया था ना वो बाहर का एरिया था भाई, ये देखो बिल्कुल सिटी सेंटर जो है कितना चहल पहल है यहाँ पे मस्त एकदम। ज्यादा तो मेरे को यहाँ पर लोकल लोग ही दिख रहे हैं, टूरिस्ट तो शायद कम ही है, होंगे भी तो यूरोप के ही होंगे, तो फर्क पता ही नहीं चलता भाई कौन सी कंट्री का कौन बंदा है। एक ये बड़ा सा फोरम शॉपिंग सेंटर है भाई, देख रहे हो यहाँ भी देखो मैक्स बैट स्लॉट क्लब है, बताओ हर जगह पे भाई यही सट्टेबाजियां चल रही है। ईरान और टर्की में जो वहाँ की नॉर्मल पब्लिक थी ना रोड पे चलते हुए भाई, उनके चेहरे पे ना स्माइल आती थी हमें देखते ही कि हाँ कोई टूरिस्ट आया हुआ है, या फिर मतलब ना ऐसे वो इन्वाइट करते थे, चीजें दे देते थे। बट यहाँ यूरोप में एंटर करते भाई सबके मुंह सड़े रहते हैं। अब जो होटल रिसेप्शन वगैरह पे है वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बट जो लोग चल रहे हैं ना यहाँ पे स्ट्रीट पे लोकल, वो भाई अलग ही एटीट्यूड में है अभी तक जितने हमसे टकराए हैं, बाकी पता नहीं। ये देखो एक और बना हुआ है यहाँ पे, पूरे सर्बिया में ना आपको कहीं पे भी बीचेस या पानी नहीं देखने को मिलेगा समुद्र का, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है एंड यहाँ की जो लैंग्वेज है ना सर्बियन वो भाई ओटोमन एम्पायर के टाइम पे ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी। पूरे यूरोप में ही ना गाड़ी वाले भाई अच्छे से रूल फॉलो करते हैं, कोई भी रूल्स ना तोड़ता नहीं है। अभी जैसी पेडेस्ट्रियन की ग्रीन लाइट हो जाएगी ना भाई सबके सब रुक जाएंगे और निकलने देंगे। और एक थोड़ी सी डराने वाली चीज भी है सर्बिया के बारे में कि यहाँ पे भाई रेगुलरली अर्थक्वेक्स बहुत आते रहते हैं, इतने ज्यादा लार्ज स्केल पे नहीं आते कि डिस्ट्रक्शन क्रिएट करे, बट आते रहते हैं छोटे मोटे अर्थक्वेक। पानी की बात कर रहा था भाई और पानी मिल गया यहाँ पर देखो, बट ये समुद्र नहीं है ऑब्वियसली, बट सुंदर जगह है ना, देखो लोग बैठे हुए किनारों पे एंड सनलाइट जो है वो घरों पे पड़ के येलो येलो सा बना रही है पूरा। और इधर की तरफ भी देखो यार, सुंदर तो है जगह भाई कुछ भी कहो। अच्छा, निकोला टेस्ला के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो सर्बियंस जो है वो क्लेम करते हैं कि निकोला टेस्ला सर्बिया से थे, हालांकि क्रोशिया भी इसको क्लेम करती है कि वो क्रोशिया से थे। कोई मिलेगा उनसे तो बताना जरा मुझे कमेंट्स में आके, ओके। अच्छा, अभी पता चला कि इस सिटी को ना निस नी निश बोलते हैं, NISH, स्पेलिंग NIS है बट प्रोनाउंसिएशन निश है, NISH। तो अभी भाई मैं फिलहाल यहाँ के फेमस निश फोर्टेस में आ गया हूँ, बहुत फेमस किला है यहाँ का ये, तो मैंने कहा चलो विजिट कर आते हैं। और 24 घंटे खुला रहता तो टाइम की भी दिक्कत नहीं। सर्बिया के कुत्ते देखने हैं, आ जाओ दिखा दूंगा कैसे मटक मटक के चल रहा है, देख रहे हो। पोर्ट तक जाने के लिए ना भाई ये लगभग 500 मीटर की वॉक है, दोनों तरफ पार्क वार्क बना रखे
बैठे, ग्रीनरी ग्रीनरी भाई साहब देख रहे हो, बेंचेस भी लगे हुए हैं। यहाँ तो कुछ नहीं है भाई ज्यादा, एक दो म्यूजियम है वो भी इस टाइम पे बंद पड़ा हुआ है, बाकी ये पार्क ही है जहाँ पे लोकल्स मटक रहे इधर उधर। चलो भाई बाहर जा रहा हूँ, यहीं पे देखो अंदर कैफे बना हुआ है बड़ा मस्त सा, एग्जिट करते हैं और सामने वो पुल था ना वहाँ जाके देखते हैं क्या है। एक यहाँ पे ये जैज म्यूजियम है और यहाँ पे ना जैज फेस्टिवल होता है, बट अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा, सब बंद पड़ा हुआ है, पता नहीं कुछ टाइमिंग होते होंगे शायद। ये गाड़ी देखो क्या मस्त लग रही है ना। वहाँ से निकला हूँ भाई मैं एंड ये मैंने आपको पानी दिखाया ही था और यहाँ पर है ये ब्रिज भाई, क्या सही सीन है। और इस टाइम पे आप देखो कितने बज रहे हैं, 8:20 रात के, और पूरी रोशनी हो रही है भाई, मेरे को लग रहा है यहाँ पे सनसेट 9:30-10 के बाद ही होगा। इंडिया में इस टाइम पे कितने, मेरे ख्याल 12 बज रहे होंगे, सोचो 12 बज रहे, क्या रात होती है ना, और यहाँ पे दिन हो रहा है पूरा। और उस वाली रोड से जैसी कोई गाड़ी जा रही है ना भाई, ये ब्रिज पूरा हिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि अर्थक्वेक आ गया, मेरे को तो पहले डर गया मैं भाई साहब। यहाँ तो अलग ही माहौल हो रहा है, देख रहे हो H&M भी है और कितनी भीड़ लग रही है। बाकी ये लाइट्स के साथ पानी फाउंटेन, बच्चे अंदर जाके पानी में खेल रहे हैं, मतलब जैसे ही वो नीचे जाता है तो भग जाते हैं ताकि पानी से गी लेना हो, देख रहे हो लड़की का स्वैग है भाई। चलो यहाँ सर्बिया में तो फिर भी लोग सही है भाई, कम से कम कैमरा देख के स्माइल तो कर रहे हैं, वहाँ बल्गेरिया में तो मुंह ही बना लेते। थोड़ी देर भाई इस वाली स्ट्रीट पे आके बैठ गया था, पैदल चल चल के पैर दुख गए, टोटल 5 किलोमीटर चल लिया और अभी भी 750 बचा है होटल यहाँ से। चलो भाई चले जाके, एडिटिंग भी करनी होती है, बड़ा हेक्टिक हो जाता दिन यार, सुबह से शाम तक शूट करो, घूमो, रात को फिर एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, शेड्यूल करो। आप लोग लाइक नहीं करते फिर हैं, 1 लाख लाइक तो बनते हैं ना इसी बात। भागूं जल्दी जल्दी, रूम टूर दूंगा आपको फिर एंड करेंगे व्लॉग। तो ये है भाई रूम हमारा छोटा सा प्यारा सा, यहाँ पे 2 बेड लगे हुए सिंगल एंड एक ये कंपार्टमेंट है, मतलब सेकंड बेडरूम समझ लो, इसमें भी 2 बेड लगे हुए हैं, वार्डरोब है, टीवी है, एसी लगा हुआ है। एंड ये रहा भाई वॉशरूम, शावर एरिया एंड टॉयलेट सीट विदाउट जेट स्प्रे। मेरे ख्याल से ये डोमेट्री थी इनकी, तो उन्होंने प्राइवेट रूम बना दिया, बट सही है यार 3,000 रुपए से कम में इतना ऐसा रूम मिल गया। बाकी इस वाले ब्लॉग के लिए भाई इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।